झारखंड में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। नई सरकार में झामुमो ने दो नए चेहरे को मौका दिया, जबकि कांग्रेस के पुराने चेहरे एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से तीन जबकि झामुमो से पांच ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी, रामेश्वर उड़ाव, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, बसंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की। दो नए चेहरे को मिली जगह। मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से रामेश्वर उड़ाव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख है, वहीं झामुमो से बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, ये दो नए चेहरे को मौका दिया गया है। जबकि मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी को एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि नए मंत्रिमंडल में कौन से मंत्रियों को कौन सा पद दिया जाएगा ये अभी साफ नहीं हुआ है। नई सरकार में बैद्यनाथ राम के नाम की चर्चा तेज थी, हालांकि आखिर में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया और बैद्यनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले इसमें शामिल होने को लेकर कांग्रेस में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। बताया जा रहा था कि कांग्रेस के कई नेता सर्किट हाउस में जमा हुए हैं। कहा जा रहा था कि वे मंत्रिमंडल विस्तार में पुराने नेताओं के शामिल किए जाने से नाराज थे। हालांकि इसके बाद पार्टी के बड़े नेता एक्टिव हुए और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर सर्किट हाउस पहुंचे और नेताओं को मनाया, जिसके बाद सभी एकजुट होकर राजभवन पहुंचे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।